सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं कुछ बढ़िया चीज की अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ। वैसे तो हमारा चैनल अनबॉक्सिंग का नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कुछ काम की चीज है हम आर्टिस्टों के लिए, इसीलिए मैं आज अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो गाइज, सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ प्रोडक्ट कैसा है। सो यहाँ पर मैंने फ्लिपकार्ट से ऑर्डर किया था, उसकी प्राइस मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड लिंक भी दी गई है, वहां से आप इसे इजिली खरीद सकते हो। तो सबसे पहले हम इसे अनबॉक्स करने के पहले यहाँ पर कुछ बारकोड वगैरह सब कुछ इसका डिटेल दे चुका है, एंड अभी हम इसे ओपन करते हैं। इसके लिए हमें चाहिएगा कटर, तो हम इसे ओपन कर लेते हैं। यहाँ से मैंने खोलने की कोशिश की, लेकिन मैंने सोचा फिर एक बार आपके साथ शेयर किया जाए, तो सबसे पहले हम इसे खोल लेते हैं। लेकिन मैंने पहले नहीं खोला है, सिर्फ कोशिश की थी। पैकेजिंग तो मुझे बहुत ही घटिया नजर आई है, अमेजोन की पैकेजिंग इससे बेटर रहती है, इसलिए हम इसे इसका अभी पोस्टमार्टम कर देते हैं। हाँ वाओ, अंदर का बॉक्स मुझे थोड़ा अच्छा लग रहा है इसके। देखो, ये सस्ती वाली पैकेजिंग कर देते हैं यार फ्लिपकार्ट वाले, ये मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इसे रख देते साइड में। एंड यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शन दिए हैं यहाँ पर हमें यूजेबल, तो हम यहाँ से इसको देखकर यूज कर सकते हैं। एंड अभी मैं आपको यहाँ से थोड़ा आपको बता देता हूँ कि यहाँ से ये 360 डिग्री रोटेबल है, एंड यहाँ से हम इसे इजीली स्टेबल कर सकते हैं एक जगह पे। पर प्राइस वगैरह तो कुछ भी यहाँ पर रिवील नहीं किया है, इतना बता सकते हैं यहाँ पर ये टैब के लिए एंड मोबाइल के लिए है। अभी निकाल लेते हैं, पता नहीं इसके अंदर क्या क्या चीज है। वाओ, ये क्या दिया है यार फ्लिपकार्ट ने, बाकी इसके अंदर कुछ भी नहीं है, इसे रख देते साइड में। ये है इसका मोबाइल होल्डर, ये मुझे अच्छी बात लगी है। देखो, ये आप सोच रहे होंगे कि ये साइड में क्यों दिया गया है, वन साइड लग रहा होगा, लेकिन इस पर आप मोबाइल अटैच करोगे तो ये सेंटर में आ जाएगा। एंड अभी इसे रख देते साइड में, ये भी इसी का ये जो है पार्ट है। एंड ये जो है टेबल का है, हम टेबल पर इसे लगा सकते हैं ऐसे यहाँ पर, वो मैं आपको बाद में बता। तो इसे रख देते साइड में। एंड ये जो है मैंने जैसे कि आपको बता दिया था, ये 360 रोटेबल है, तो इसे भी मैं आपको एक एक चीज पूरी बताऊंगा। देखो, ये वाकई में बहुत ही अच्छी चीज है। देखो ये, वाह, मतलब एकदम ऐसे कंफर्टेबल फील होता है इससे। वाह, ये सही में अच्छी बात है। एंड अभी बारी है इसको फिट करके इसका सेटअप जो है आपको करके। हाँ, तो इसे हम अभी सेट करते हैं, इसे थोड़ा हम ये कर दे। हाँ, दादा बड़ा, देखो ये टेबल है, एंड इसके नीचे से हमें फिट करना पड़ता है, इसको कर देते फिट। थोड़ी मेहनत लगती है इसे फिट करने में, लेकिन एक बार फिट किया तो फिर निकालने की जरूरत नहीं पड़ती है। अब यहाँ से ये फिट हो चुका है, अब जब तक हम इसे फिट कर लेते हैं, इसे थोड़ा लूज करके इसको हम इस तरीके से अंदर डाल लेते हैं। ये देखो, अभी ये 360 रोटेबल है, जैसे चाहे इसे घुमा सकते है, इसे हम थोड़ा टाइट भी कर सकते हैं एंड लूज भी कर सकते हैं, वो हमारे जरूरत के हिसाब से। इसे रख देते साइड में, अब बार ही इसे फिट करने के। तो हम इस पर सिंपली से यहाँ पर कर देते हैं, एंड ये स्क्रू जो है ये इधर से लगाना पड़ता है, इसे यहां से हम इसे टाइट एंड लूज कर सकते हैं ऐसे। देखो, यहां से भी ये 360 रोटेबल है ऐसे, देखो आप घुमा सकते हैं इसे। अभी इसे 90 डिग्री पर सेट कर दिए हैं, एंड अभी इसे सेट करते हैं। देखो, इसे सेट करना भी बहुत ही आसान चीज है, इसको जरा लूज, ये ऑलरेडी लूज है, तो हम यहाँ पर सेट कर। अब हमें इसे फिट कर देते हैं। देखो, ये हो चुका है, अभी मैं आपको मोबाइल लगा करके भी, मेरे पास ये सैमसंग जेटू का मोबाइल है, अभी हम इसे लगा देते हैं यहाँ पर। तो जैसे चाहे आप इसे ये कर सकते हैं, देखो इस तरीके से यहाँ पर मोबाइल का कैमरा ऑन करके यहाँ पर आप कुछ भी ऐसा
ड्राइंग कर सकते हैं इस तरीके से, यहाँ पर ड्राइंग होती रहेगी एंड हम इस पर ऐसे ये कर सकते हैं, जैसे चाहे आप इसे ये कर सकते हैं सेटअप इसका, देख सकते हैं आप। सो गाइज इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।